इंद्रधनुष आपने सुना तो होगा, देखा भी होगा, राइट? लेकिन क्या आपने इंद्र सभा सुना है, इंद्र वज्र सुना है? क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष के भी काफी अलग अलग टाइप्स है? अगर नहीं सुना, नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। आप बोलोगे कि ये इंद्रधनुष के बारे में क्यों बता रहे? बेसिकली एज अ ट्रैवल एंथुजियास्ट, अगर आप आउटडोर्स में हो, आउटडोर्स में ट्रैक कर रहे हो, आउटडोर्स में ट्रैवल कर रहे हो, एंड कभी आपको अगर ऐसा फिनोमेना देखने मिले तो आपको इसका रीज़न तो ज़रूर पता होना चाहिए, एंड इसी के लिए ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंद्रधनुष के सात अलग अलग रंग। वैसे देखने जाएंगे तो एक्चुअल में ये सिर्फ सात कलर नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में कलर्स होते हैं, लेकिन हम मेजरली उसको सात कलर में डिवाइड करते हैं। हम सब ने स्कूलों में तो पढ़ा ही होगा, सीखा ही होगा, एंड उसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी हम सब ने याद किया ही होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विपक्योर कहते हैं। बेसिकली इट्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ लेट्स कम टू द रेनबो। रेनबो एक दृष्टि भ्रम है, इट्स नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, एंड ये इल्यूजन होने के लिए कुछ कंडीशन भी फुलफिल होने जरूरी है, जिससे कि सबसे पहला है सन शुड बी अबव द होराइजन, एंड उसके बीच में कोई माउंटेन नहीं होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, होराइजन एंड सन का एंगल शुड बी लेस देन 42 डिग्रीज। यस दोस्तों, अगर ये अर्थ की लाइन है, यहाँ होराइजन है, तो ये जो एंगल होगा सन और होराइजन के बीच में, दैट शुड बी लेस देन 42 डिग्रीज, तभी आपको रेनबो दिखेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए और सामने रेनफॉल होना चाहिए, ऑब्वियसली हैवी रेनफॉल नहीं, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एंड तभी आपको रेनबो दिखेगा। अब ये तो बात हो गई कंडीशंस की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिनोमिना, एक्चुअल में रेनबो क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्पर्शन के बारे में। नाउ अगर आपने स्कूल के टाइम में प्रिज्म पढ़ा होगा तो आपको डिस्पर्शन पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। व्हेनेवर अ लाइट क्रॉसेस अ सॉलिड ग्लास, इट स्कैटर्स इनटू 7 different colors. अगेन, ये एक्चुअल में 7 different colors नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसको 7 different colors में कैटेगराइज करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। सो व्हेनेवर अ लाइट पासिस थ्रू अ सॉलिड ग्लास, इट डिस्पर्सेस इनटू 7 different colors. This is known as dispersion. ये basically होता है because of the different wavelength of different light. Air में तो सारे light का speed एक ही होता है, इसलिए हमको सारे light एक साथ मिलके white light दिखती है, लेकिन as soon as the medium changes, because of the difference in the wavelength, speed भी change होती है, and speed change होने के कारण ये white light disperses. The same phenomena occurs in a water droplet. जब भी a white light enters a water droplet, it disperses into 7 different colors. Okay, so this is the first phenomena, dispersion. Now let's talk about the second phenomena, which is reflection. Now हम सबको पता है कि water एक अच्छा reflective medium है, and यहाँ भी वही होता है, जो भी light water के first wall से pass होती है वो rear wall से reflect होती है, and क्योंकि light already enter होने के बाद disperse हुई है, all the 7 colors are reflected. And जैसे मैंने कहा कि एक heavy rainfall नहीं बल्कि एक low rainfall होने की ज़रूरत है, उसके कारण ये जो water droplets होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, and एक mirror curtain की तरह work करते हैं, and इसी के कारण जितनी ज़्यादा low rainfall होगी, जितने ज़्यादा small water droplets होंगे, उतना ही clear आपको एक rainbow दिखेगा। And the third and last phenomena, which is known as refraction. Refraction is nothing but change of direction of light from one medium to another. जब भी light enter करती है air से water droplet में, वहाँ एक direction change होती है, and जब भी light water droplet से exit करते हैं तभी भी एक direction change होती है। Now इसमें भी science है कि कितने degrees से direction change होता है, let's not go into it. अगर आपको detail में ही जानना है तो you can always google it. Now this was the third phenomena due to which rainbow occurs. Dispersion, reflection and refraction. Okay? Now हमेशा लोगों को एक दिमाग में क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, मुझे भी था पहले, रेनबो हमेशा आधा ही क्यों दिखता है, पूरा सर्कुलर क्यों नहीं दिखता है? सो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक भ्रम है, दिस इज एन इल्यूजन, एंड इस इल्यूजन में पूरा खेल होता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर हमेशा हॉरिजन के हाइट के आस पास ही होता है, इसलिए आपको हमेशा अपर हाफ ऑफ द रेनबो दिखता है, द लोअर हाफ इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द अर्थ। लेकिन अगर आप कभी किसी हाइट पे हो, एंड अगर आप नीचे देखोगे, तो अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपको एक सर्कुलर रेनबो भी दिखेगा। यस दोस्तों, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द टाइप्स ऑफ रेनबो। यस दोस्तों,
इंद्रधनुष के काफी अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले ट्रेडिशनल रेनबो जो हमेशा हम आपने मैंने देखा है, फिर उसके बाद आता है सर्कुलर रेनबो। अगर आप कभी किसी हाइट पे हो और अगर आप नीचे देखते हो तो आपको पूरा सर्कुलर रेनबो दिखेगा। द थर्ड वन इज डबल रेनबो। इफ यू आर लकी इनफ यू गेट टू सी डबल रेनबो एट टाइम्स। डबल रेनबो बेसिकली तभी होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट्स ट्वाइस इन द वाटर ड्रॉपलेट। द लाइट एंटर्स, इट डिस्पर्सेस, देन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द रियर वॉल ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट एंड इट गोज आउट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट पासिस थ्रू दैट वाटर ड्रॉपलेट, द रेस्ट ऑफ द लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बैक एंड देन इट अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द रियल वॉल एंड गोज आउट। इसके कारण आपको दो अलग अलग रेनबोज दिखे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आई होप आपको समझा होगा। अगर नहीं समझता तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। द फोर्थ टाइप इज ट्विन रेनबो। ट्विन रेनबो अगेन दो अलग अलग रेनबोज होते हैं लेकिन कोई एक एंड पॉइंट इसका सेम होता है। आई मीन ये फोटो में आप देख सकते हो कि यू कैन सी द टू डिफरेंट रेनबोज बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। सो दिस इज ट्विन रेनबो। द नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्टेड रेनबो। जो ट्रेडिशनल रेनबो होता है उसमें एयर में के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो दिखता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेनबो है इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर बॉडी, इसी की वजह से फिर से हमें एक रेनबो दिखता है। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है, ये सेमी सर्कुलर रेनबो नहीं होता, ये बेसिकली आलमंड शेप का रेनबो होता है। द सिक्स्थ टाइप ऑफ द रेनबो इज रेड रेनबो। सिर्फ लाल कलर का रेनबो भी दिखता है, यू कांट सी रेस्ट ऑफ द कलर एंड दिस बेसिकली हैपन्स एट द स्ट्रोक ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यस दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है एंड सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड कलर की एंड उसी के कारण एट द स्ट्रोक ऑफ सनराइज एंड सनसेट आपको रेड कलर का रेनबो दिखता है। बाकी के जो कलर्स है वो स्कैटर आउट हो जाते हैं एंड इसी के लिए आपको सिर्फ रेड कलर का रेनबो दिखता है। सेवन टाइप ऑफ रेनबो इज मूनबो। यस दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रेनबो देखे वो सन के लाइट की वजह से दिख रहे थे लेकिन मूनबो एक ऐसा अकेला रेनबो है जो कि मून के लाइट की वजह से दिखता है, इसी के कारण इसको मूनबो कहते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? मुझे भी आज तक पता नहीं था, जब मैं टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तभी ये मुझे दिखा एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक चीज़, ये सिटीज़ में नहीं दिखता बिकॉज यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उतनी क्लियर लाइट पास नहीं होती एंड उसी के कारण आपको मूनबो सिटीज़ में तो नहीं दिखता। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रेनबो, जब मैंने बात की थी ट्रेडिशनल रेनबो की तो जो भी रिफ्लेक्शन आता है वो छोटे छोटे माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट से आता है, लेकिन जब भी कोई रिफ्लेक्शन किसी फॉग से या किसी क्लाउड से आता है देन इट इज़ नोन एज फॉगबो। नाउ ये सारे टाइप्स हो गए रेनबोज के। जैसे इंद्रधनुष एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इंद्र सभा भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इंद्र वज्र भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंद्र सभा। इंद्र सभा ये बेसिकली वर्ड आता है नेपाल से, इंग्लिश में इसको हेलो बोलते हैं और एल्स 22 डिग्री हेलो भी बोलते हैं। नाउ ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है एंड इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। आइदर यू हैव टू बी एट अ हायर एल्टीट्यूड 15,000 एंड अबव और आपके एटमॉस्फेयर में आइस क्रिस्टल्स होने चाहिए। नाउ बेसिकली अगर आप सी लेवल पे हो तो एटमॉस्फेयर में आइस क्रिस्टल्स या आइस पार्टिकल्स होना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये तभी हो सकता है जब ओले गिरने की संभावना हो या इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हेल स्टॉर्म होने के चांसेस हो, लेकिन उसके अलावा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन इफ़ यू आर अबव 15,000 फीट देन डेफिनेटली एयर में आइस पार्टिकल्स होना, आइस क्रिस्टल्स होना काफ़ी पॉसिबल है। नाउ इसमें क्या होता है, जो आइस पार्टिकल्स है ना वो टिपिकली प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इसमें सिर्फ डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन होता है, देर इज़ नो रिफ्लेक्शन एंड उसी के कारण सन आपके पीछे होना जरूरी नहीं है, सन आपके सामने हो सकता है एंड द लाइट ऑफ द सन एंटर्स इनटू द आइस पार्टिकल्स और द आइस क्रिस्टल्स डिस्पर्सेस एंड देन रिफ्रैक्ट्स एंड देन गिव्स आउट अ हेलो। नाउ इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, आपको पूरे सातों के सातों कलर बहुत कम दिखते हैं अगेन ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेव लेंथ और इसी के कारण इसमें लिमिटेड कलर्स दिखते हैं। नाउ एट द सेम टाइम 40 डिग्री हेलो भी देखा गया एंड ये 22 डिग्री हेलो से भी रेयर फिनोमिना है विच इज 40 डिग्री हेलो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज नोन एज ब्रोकन स्पेक्टर और ऑल्सो नोन एज ग्लोरी। बिफोर टॉकिंग अबाउट ब्रोकन स्पेक्टर विल टॉक अबाउट ग्लोरी। अगर आप फ्रीक्वेंटली एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो तो शायद कभी ना कभी आपने ग्लोरी देखा होगा विच इज बेसिकली सर्कुलर रेनबो। लेकिन आप बोलोगे कि सर्कुलर रेनबो और ग्लोरी में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज दैट बिटवीन द सर्कुलर रेनबो यू हैव अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जर्वर भी हो सकता है। अगेन यहाँ भी सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट
एंड इन फ्रंट ऑफ यू देर शुड बी अ डेप्थ एंड आपके नीचे क्लाउड्स या फॉग होना चाहिए, तभी आपको ये ग्लोरी इफेक्ट दिखेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रोकन स्पेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज इंद्र वज्र. सो इफ यू आर ऑन एलिवेशन, आप किसी हाइट पे हो, किसी पीक पे हो एंड आपके सामने एक बड़ा फॉल होगा, एक डेप्थ होगी, एक वैली होगी एंड उसमें अगर कोई मिस्ट होगा या डार्क क्लाउड्स होंगे और आपके पीछे सन होगा तो डेफिनेटली यू कैन सी अ ब्रोकन स्पेक्टर. ब्रोकन स्पेक्टर में भी आपको शेडो दिखती है और एक 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज के अराउंड एक रेनबो भी दिखेगा. द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोरी एंड द ब्रोकन स्पेक्टर इज दैट ग्लोरी में आपको हमेशा 360 डिग्रीज रेनबो दिखेगा, जबकि आपको इंद्र वज्र में 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज इसके बीच आपको एक रेनबो दिखेगा. ना इंडिया में अगर देखने जाएंगे तो इंद्रधनुष तो डेफिनेटली दिखता है, इंद्र सभा भी दिखता है. बेसिकली हिमालयस में अगर जाओगे तो इंद्र सभा एविडेंटली आपको दिखेगा एंड देन इंद्र वज्र भी दिखता है. इफ यू ट्रैक इन वेस्टर्न घाट्स यू विल गेट टू सी ब्रोकन स्पेक्टर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. बेसिकली एज अ ट्रैवल एंथुजियास्ट हम आउटडोर्स में काफी घूमते हैं, सो आई थॉट अगर आउटडोर्स में हम घूमने वाले हैं ऐसे कुछ फिनोमिनास दिखे तो हमें पता होना चाहिए इसका रीजन एंड इसी के लिए ये वीडियो बनाया था. सो आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks for watching, stay safe, take care, and see you in some next episode. Till then, bye bye.